बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर फर्स्ट ईयर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर टू, सेट्स, फंक्शंस एंड ग्रुप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2, ऑपरेशन ऑन सेट्स। भाई बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। बाय यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज नॉट बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी, विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। जी बाय डिनोटेड बाय ए यूनियन इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड बी। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए हमारे पास है 1, 5, 6, 7 और बी हमारे पास है 8, 9, 1, देन ए यूनियन बी होगा 1, 5, 6, 7, 8, 9। भाई ए और बी दोनों शामिल कर लें तो ए यूनियन बी में आ जाएंगे। ए यूनियन बी कंटेन्स ये सारे आए हुए हैं।
जी कहते हैं एस्टेब्लिश ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी बाय वेन डायग्राम इन द फॉलोइंग केसेस। पहला ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी यानी कि ये हमारा यूनिवर्सल है, ए इज ए सबसेट यानी कि ए छोटा और बी बड़ा जी। ए यूनियन बी में भजन पूरा कवर हो जाएगा, ए यूनियन बी में पूरा डॉक्टर होगा। नो दिस इज यूनिवर्सल सेट, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, इंटरसेक्शन बी में सिर्फ ए आएगा, ए इंटरसेक्शन में सिर्फ ए आएगा। जब बी इज ए सबसेट ऑफ ए हो, जब बी इज ए सबसेट ऑफ भैया बी छोटा होगा ए बड़ा होगा, ए यूनियन बी में भैया पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी में भाई ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, प्योर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, क्या होंगे प्योर कॉमन एलिमेंट्स। भाई तीसरा पार्ट ए यूनियन ए डैश, ए यूनियन ए डैश भाई देखें ये हमारे पास यूनिवर्सल है, ये ए है तो बाकी क्या होगा ए डैश। जब यूनियन हो गए तो भैया यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। नाउ दिस इज ए, बाकी क्या होगा ए डैश, ये पूरा यूनिवर्सल है तो ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा नल सेट भाई, ए इंटरसेक्शन ए डैश क्या होगा जी नल सेट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, आपके ए और बी के हैं जी वो डिसजॉइंट सेट्स हैं भाई, डिसजॉइंट ए ये बी, ए यूनियन बी में ए और बी दोनों डॉटेड हो जाएंगे। और भाई जब ए और बी ये है डिसजॉइंट है तो भाई इंटरसेक्शन में खाली सेट आएगा जी, इंटरसेक्शन में क्या आएगा खाली सेट जी। जब ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, भाई ए और बी क्या जी ओवरलैपिंग सेट्स, देन ए यूनियन बी क्या होगा जी ए एंड बी एंड कॉमन पोर्शन। और भाई ए इंटरसेक्शन बी का जो आएगा वो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, क्या आएंगे जी कॉमन एलिमेंट्स आएंगे जी। भाई क्वेश्चन टू है शो करना ए माइनस बी एंड बी माइनस ए आर बाय वेन डायग्राम, आपने ए माइनस बी और बी माइनस ए को बाय वेन डायग्राम से शो करना है। पहला पार्ट है ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू फाइव, भाई ए एंड बी कैरी ओवरलैपिंग सेट्स। अब जरा देखिएगा भाई आपके पास ए और बी ओवर, ए माइनस बी में ये वाला पोर्शन आएगा जो कॉमन हम काट जाएंगे, बी के साथ हमारा कोई तल्लुक नहीं है, बाकी जो ए के बचेंगे वो आएगा। इसी तरह बी माइनस ए, बी माइनस ए बी में से ए निकाल देंगे तो भैया कॉमन पोर्शन कैंसिल होगा, बाकी जो बी के बचेंगे ना वो हमारा भाई मसला होगा। ये ए माइनस बी में ये वाला पोर्शन आएगा और बी माइनस ए में ये वाला पोर्शन आएगा। नेक्स्ट पार्ट है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, भजन जब ए बी का क्या होगा जी सबसेट होगा जी, भाई ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी करेंगे ना भजन ए माइनस बी तो भाई ए में से बी निकालेंगे तो बाकी नल सेट ही हो जाएगा जी। इस तरह जब बी माइनस ए करेंगे तो भैया बी में से ए निकाल देंगे, भाई बी में से ए निकाल देंगे ए कट जाएगा, बाकी जो बी के बचेंगे ना वो हमारा डॉटेड पोर्शन होगा जी। वेन बी इज ए सबसेट ऑफ ए, अब बी छोटा ए बड़ा है तो भाई ए माइनस बी में क्या होगा जी, भैया ये कॉमन पोर्शन कट जाएगा और बाकी जो ए के वो ये डॉटेड आ जाएगा जी, ए माइनस बी में भाई क्या होगा ये वाला पोर्शन आ जाएगा। जब बी माइनस ए करो, बी छोटा ए बड़ा तो भैया कॉमन पोर्शन कैंसिल, बाकी कोई नहीं बचेगा तो ये नल सेट आएगा जी, भाई ये क्या आएगा नल सेट जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हजरत अनस रजी अल्लाह बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन थे और सबसे ज्यादा सखी थे और सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना किसी खास आवाज को सुनकर घबरा गए, लोग इस आवाज की तरफ चले तो उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते मिले, क्योंकि आप इन सबसे पहले इस आवाज की तरफ जा चुके थे। आप इस वक्त हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला के घोड़े पर सवार थे जो नंगी पुश्त था, ऊपर जीन वगैरह नहीं थी, और आप के गले में तलवार लटक रही थी, और आप फरमा रहे थे किसी किस्म का खौफ नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं। और आप घोड़े की तेज रफ्तारी की तारीफ करते हुए फरमाया कि हमने तो इस घोड़े को समुंदर पाया, हमने तो इस घोड़े को समुंदर पाया, या यूं फरमाया कि ये तो समुंदर है। फिर रावी ने कहा या हजूर ने खुद फरमाया ये एक ऐसा घोड़ा था जो सुस्त रफ्तारी में मशहूर था। हजूर नबी करीम सल्लम के इस पर सवार होने की बरकत से वो तेज रफ्तार हो गया। मुस्लिम शिव में यह हदीस मौजूद है।
मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। जी वंस अगेन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला बिन मालिक फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे ज्यादा हसीन थे और सबसे ज्यादा सखी थे और सबसे ज्यादा बहादुर थे। एक रात अहले मदीना किसी खास आवाज को सुनकर घबरा गए। लोग इस आवाज की तरफ चले तो उन्हें रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आते मिले, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सबसे पहले इस आवाज की तरफ जा चुके थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त हजरत अबू तलहा के घोड़े पर सवार थे, जो नंगी पूछ था, ऊपर जैन वगैरह नहीं थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले में तलवार लटक रही थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे किसी किस्म का खौफ नहीं, किसी किस्म का खौफ नहीं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े की तेज रफ्तारी की तारीफ करते हुए फरमाया कि हमने तो इस घोड़े को समुन्दर पाया। यूं फरमाया कि ये तो समुन्दर है। फिर रावी ने कहा, या हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, ये एक ऐसा घोड़ा था जो सुस्त रफ्तारी में मशहूर था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर सवार होने की बरकत से वो तेज रफ्तार हो गया। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह हम सबको रियाकारी सब जाए। कुफारा मजलिस की दुआ पढ़ लें। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।